श्वास, एक बार ओम का उच्चारण श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। प्रतिज्ञा दोहराएंगे सभी एक साथ। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का प्रचार प्रसार करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में GRF एग्जाम क्लियर करूंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हाथी की नमस्कार मुद्रा। खुद से संकल्प और प्रण कि जो भी आप स्टडी करेंगे पूरे मन के साथ करेंगे और एकाग्रता के साथ करेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। रब करने के बाद धीरे से अपनी आईज पर रखेंगे कप की शेप बनाकर और आंखें खोलते हुए धीरे से वापस आ जाना है। थैंक यू सभी का। थैंक यू सो मच भावना जी। मेरी स्क्रीन आप सब लोगों को विजिबल है जी? जी सर, ठीक है। तो आज मैं स्टार्टिंग में पढ़ाऊंगा और एंड में क्वेश्चनिंग करूंगा, क्योंकि टाइम हो जाता है फिर लास्ट में। तो पहले रिवीजन मैं ही करा देता हूँ आपका हल्का सा। हम वशिष्ठ संहिता ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। एक दो बच्चे के मेरे पास मैसेज आए थे, वो कंफ्यूज हो रहे हैं योग वशिष्ठ में और वशिष्ठ संहिता में। अपना माइंड में बिठा लीजिए, योग वशिष्ठ और वशिष्ठ संहिता दोनों अलग अलग ग्रंथ है। योग वशिष्ठ ग्रंथ जो है वो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है और वहां पे राम जी का और उनका संवाद है वाल्मीकि जी का। और ये है वशिष्ठ संहिता, ये हठ योगी ग्रंथ है। इसमें वशिष्ठ जी और शक्ति का संवाद है, तो दोनों अलग अलग ग्रंथ है, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो वशिष्ठ संहिता में ज्ञान एवं कर्म दोनों का वर्णन है। अच्छा, मेरे पीछे से आप लोगों को साउंड तो नहीं आ रही, आप एक बार प्लीज बता दीजिए। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा आ रही है साउंड अभी अभी तो लेडीज नहीं आ रही, की? बट बीच में कभी कभी आ जाती है। ठीक, रुको मैं बोलता हूँ। टीवी चल रहा है? ना 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 ना, टीवी क्या, घर में मम्मी के फ्रेंड्स बैठे बहुत ज्यादा। अच्छा, तो जाने तो सर, हमको इतना प्रॉब्लम नहीं है, रहने दीजिए। इतनी आवाज नहीं है राहुल जी, पढ़ लेंगे। गए राहुल जी, गए। थैंक यू, सॉरी अब नहीं आएगी। डिसिप्लिन डिसिप्लिन ही होता है, वो चाहे मेरे लिए हो या किसी के लिए भी हो। तो वशिष्ठ संहिता के अंदर ज्ञान एवं कर्म दोनों का वर्णन है। इसके अंदर 8 अध्याय बताए गए हैं, दो भागों में बांटा गया है, योगाख्यान और ज्ञानाख्यान के। पहले 4 योग में योग की बातें मिलती हैं, तो वो योगाख्यान के नाम से है, और अंतिम जो 4 है वो ज्ञान के उसमें बातें मिलती हैं। तो मेन जो है हमारे सिलेबस में 6 हैं, इनके 6 चैप्टर्स हमारे सिलेबस में हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और फर्स्ट चैप्टर में जो है, प्रथम जो अध्याय में कर्म के बारे में बताया गया है, प्रवर्तक और निवर्तक कर्म के बारे में, बाह्य अंतर और अभ्यंतर कर्म के बारे में, यम के बारे में वर्णन है कि 10 प्रकार के यम होते हैं, नियम के बारे में चर्चा है कि 10 नियम होते हैं, 10 आसनों की चर्चा है, और उनमें 4 आसन ऐसे हैं जिनसे मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। और अंत में प्रथम अध्याय में नाड़ी शुद्धि की विशेषता महत्वता मिलती है वहां पर। द्वितीय अध्याय जो हमने कल अध्ययन किया था, उसमें नाड़ी, देह मध्य, कंद, कुंडली, प्राण, मठ, यहाँ तक हम अध्ययन कर चुके हैं, मठ तक। कि नाड़ियों के बारे में हमने पढ़ा कि 72,000 नाड़ियां हैं, और उनमें उनके अंदर 14 नाड़ियां प्रधान हैं, और उन 14 में 3 नाड़ी, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और उसके अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ सुषुम्ना, जिसको वैष्णवी नाड़ी भी कहा गया है, वो सबसे प्रधान नाड़ी है। देह मध्य का जो स्थान है गुदा से
ढाई उंगल ऊपर होता है, और इजेक्ट अगर देखेंगे तो गुदा से दो उंगल ऊपर है, और उसका देह मध्य का कुल आकार एक उंगल का होता है, और लिंग से एक दो उंगल नीचे है, अर्थात गुदा से दो उंगल ऊपर है और लिंग से दो उंगल नीचे, बीच में एक उंगल का ये देह मध्य का स्थान है। यहाँ पे अग्नि पाई जाती है, और मनुष्यों में त्रिकोण की आकृति का देह मध्य है, और पशुओं में चकोर और पक्षियों में गोलाकार आकार का देह मध्य होता है। कंध देह मध्य से ठीक नौ उंगल ऊपर कंध का स्थान है, और कंध जो है 4x4 आकार का बताया गया है, और कंध के मध्य में नाभि का स्थान है। नाभि जो गोलाकार है, और नाभि के चारों तरफ जो कुंडली शक्ति फैली हुई है, और कुंडली शक्ति जो कुंडली है वो कुंडली सुषमना का मुख को बंद करके लेटी हुई है। तो इस प्रकार कुंडली के बारे में भी यहाँ पे चर्चा मिलती है कि कुंडली जो है उसकी 8 प्रकृति है, वो अकार से छकार बीज मंत्र युक्त है, ठीक है, सर्पाकार की कुंडली पाई गई है। प्राण की 10 प्राणों की चर्चा की गई है, प्राण पान समान व्यान उदान नाग कूर्म क्रिकल देवदा धनंजय, सबके अलग अलग स्थानों की चर्चा की गई है, उनके अलग अलग कार्य भी बताए गए हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप देख लेंगे प्राण वाले टॉपिक को, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से प्राण से। मठ कल हमने अध्ययन किया था कि मठ कैसा होना चाहिए, कि वहां पे उपवन में भी जन के जंगल में भी किया जा सकता है, लेकिन वो शांत जगह होनी चाहिए, मनों को लुभाने वाली होनी चाहिए, या फिर कोई देवालय अर्थात मंदिर भी हो सकती है। तो इसके आगे हम आज हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, कि किस जगह पे योग के स्थान की चर्चा की गई है, कि फल उस स्थान पे फल होने चाहिए, मूल अर्थार्थ यानी कि जो जड़ चीजें होती हैं जमीन के नीचे अच्छे से वहां पे, यानी कि अर्थार्थ खाने पीने की वहां पे अच्छे से व्यवस्था हो, पानी की वहां पे व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसे तपोवन में अर्थार्थ पवित्र जगह पर हम योगाभ्यास कर सकते हैं, वो स्थान मनोरमन को लुभाने वाला होना चाहिए, वो पवित्र स्थान होना चाहिए, या और नदी के किनारे बताया गया है, और अथवा बताया गया देवालय अर्थात मंदिर में भी वो जगह हो सकती है। सभी प्रकार से सुरक्षित सुंदर मठ में, सुरक्षित शब्द यूज किया गया है, सुरक्षित शब्द को हटयोग प्रदीपिका में थोड़ा और डिफाइन किया गया था, वहां पे लिखा हुआ था ना बाह्य वेदी मंडप कूप रुचिरम प्राकार संवेष्टितम, अर्थात चारों तरफ से दीवार होनी चाहिए, दीवार को विशेष वहां पे महत्ता दी गई, ताकि आप साधना कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप बैठे हो ध्यान में और जंगली जानवर आए और आपको उठा के ले गया, तो ऐसा अभ्यास को भी कोई लाभ नहीं है। तो अर्थात वो स्थान भी सुरक्षित होना चाहिए, ऐसे सुंदर मठ में आपको बैठना है। और अब अभ्यास करना कैसे है, त्रिकाल स्नान करते हुए कोई मुझे बता सकता है अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए त्रिकाल स्नान का अर्थ क्या है यहाँ पे? तीन टाइम नाना। वेरी गुड, तीन टाइम बताइए कौन कौन से होते हैं। प्रातः काल और आफ्टरनून में और रात इवनिंग में। वेरी गुड, संध्या। बहुत बढ़िया, प्रातः काल दोपहर का और सायकालीन, प्रातः और सायकालीन का जो है वो संध्या काल को प्रधानता वो मानते हैं हम काल को, और दोपहर के समय भी यहाँ पे बताया गया। तो तीन स्नान ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ये यहीं पर मिलता है और कहीं नहीं इस तरीके के शब्दों को यूज किया गया। त्रिकाल स्नान करने के लिए बताया गया, तीन बार नहाना है उस योगी को, और पवित्र हो जाना है, अच्छे से शुद्ध हो जाना है, और चित्त को अच्छे से स्थिर कर लेना है, अर्थात मन भटकना नहीं चाहिए उसका। चित्त में क्या होता है, मन बुद्धि अहंकार, मन उसका शांत हो, बुद्धि उसकी नियंत्रित हो, और अहंकार उसको नहीं होना चाहिए, सब संयमित होना चाहिए, चित्त शांत रहना चाहिए उसका, और मंत्रों की न्यास विधि से शरीर को स्थिर करना चाहिए, यथार्थ मंत्र जो मंत्र योग के अंतर्गत आना, अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करना है। आगे भी जब हम नाड़ी शुद्धन देखेंगे उसमें भी मंत्रों के साथ इन्होंने बताया गया है, और ऐसा ही हठयोग के ग्रंथ औरों में भी बताया गया है मंत्रों के साथ अभ्यास करना। आप लोगों में से मुझे बताएंगे
ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें मंत्रों के साथ में अभ्यास करने के लिए बताया गया है? एनीवन? हिरण संहिता। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। कौन से अभ्यास में बताया गया हिरण संहिता में? एक तो नाड़ी शुद्धि में भी बताया गया है, सुमनों में, और जो सहित प्राणायाम में भी बताया गया है। सुमनो निर्मनो और सहित में, जो सहित को दो भागों में बांटा, वहां पे सगर और निगर में, सगर के अंतर्गत वहां पे आप ध्यान देखते हो ना, आकार उकार मकार, ब्रह्मा विष्णु रुद्र, अलग अलग वहां पे वर्ण भी दिए गए हैं, लाल हरा और काला इस तरीके से। तो ये जो है इसी तरीके से हिरण संहिता में बताया। तो यहाँ पे इनके दो ग्रंथ हो गए जहाँ पे मंत्रों के साथ में अभ्यास के को बताया गया है। तो वैसे संहिता बहुत विशेष ध्यान देती है मंत्रों के ऊपर, अर्थात शरीर को बना लेना है, शुद्ध करना है, चित्त को शांत करना है, और मंत्रों को अच्छे से न्यास विधि अच्छे से उसका अभ्यास करके अपने मन को कंट्रोल कर लेना है, शरीर को स्थिर कर लेना है, और उसके बाद में क्या करना है, सदैव शुभ्र भस्म लगाकर, अर्थात जो पवित्र जो भस्म है उसको लगाकर कोमल आसन पर कुशों को अथवा मृग चर्म को बिछाकर। अब ये आसन की स्थिति बताई गई है, कुशों को सामान्य रूप से हम घास से लेते हैं, कुशों को यानी कि घास को अथवा मृग चर्म को बिछाकर। अब आप लोगों में से मुझे बताएंगे ऐसा और कौन सा ग्रंथ है जिसमें कुश और मृग चर्म की बात की गई है? भगवद गीता। बहुत बढ़िया, वहां पे क्या बात की गई है बताइए मुझे कोई? कुशा और मृग चर्म, फिर वो वस्त्र बताया मैंने। तीन चीज बताई गई, क्रम बताइए। एक बार पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन, क्रम बताइए वहाँ पे क्या क्रम बताया है? आई थिंक पहले कुशा है, फिर मृगशाल बोले, फिर वस्त्र बोला है। बहुत बढ़िया, कुशा, मृगशाल और उसके बाद में कोमल वस्त्र, तीन चीजें वहाँ पे भागवत गीता के कौन से अध्याय में बताई गई थी? सर अध्याय 6 में बताया गया है, आत्मसंयम योग। वेरी गुड वेरी गुड, अरे नीलू जी कमाल कर दिया आपने तो, महर्षि यूनिवर्सिटी के बच्चों ने तो सिर्फ 10 लेक्चर लिए और आप बहुत बढ़िया, इतनी अच्छी नॉलेज आप लोगों को मिल गई खाली 10 क्लास में, बहुत बढ़िया। और ये देखो हमारे 6 महीने से बैठे हैं लोग, अभी तक इनके जवाब माइक भी नहीं खुलते, इन लोगों का माइक खोला करो, है रिस्पॉन्ड क्या करो, आप रिस्पॉन्ड करते हो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे, क्योंकि हम कक्षा में बैठे हैं, हम सत्संग में नहीं बैठे, और कक्षा में फीडबैक चाहिए होता है। आगे क्या बताया गया है ये बात भी विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि हमने बताया है कि जो वशिष्ठ जी रहे हैं, वशिष्ठ जी की श्रद्धा रही है नारायण के अंदर, इसके बारे में हम चर्चा भी कर चुके, क्योंकि विष्णु जी को वो अपने आराध्य मानते हैं, और यहाँ पे इन्होंने गणपति की चर्चा की गई है कि जब हम अभ्यास करने के लिए जा रहे हैं, देखिए पीछे क्या हुआ, पहले तो हमने मटका चयन किया कि वो उपवन वाली जगह पे हो या मंदिर में हो, उसके बाद में शरीर की शुद्धि कर ली, त्रिकाल स्नान किया, चित्त को स्थिर किया, अब उसके बाद में भस्म भी लगा ली शरीर पे, भभूति लगा लिया, आसन भी बिछा लिया, अब इसके बाद में क्या कहा है इन्होंने, फल मूल जल आदि विघ्न निवारक गणपति को अच्छी प्रकार पूजा कर। ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट सीक्वेंस पूछी जा सकती है कि वशिष्ठ संहिता में अभ्यास से पहले गणपति को क्या क्या चीजें पूजा में शामिल करनी चाहिए। तो पहला है फल, दूसरा है मूल और तीसरा है जल, इसके अलावा और चीजें आएंगी तो उनको डिनाई कर देना आप एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। वो पूजा करनी है गणपति की, और गणपति की विशेषता क्या है, विघ्न निवारक, विघ्नों को निवारण करने वाला है वो। और इसके अलावा और क्या करने के लिए बताया गया, इष्ट देवता और गुरु को प्रणाम करना है। पहले तो गणपति को प्रणाम करना है, उसकी अच्छे से पूजा करनी है, उसके बाद में इष्ट देव और अपने गुरु को प्रणाम करके वहां आसन प्रारंभ करना चाहिए, अर्थात तो वहां पे अच्छे से बैठना चाहिए। इसके बाद बैठे हैं वहां पे आसन में, इससे पहले की एक्टिविटी क्या क्या है दोबारा से देखिए। पहले तो जगह का चुनाव किया कि साफ मनोरम जगह होनी चाहिए, उसके बाद शरीर को शुद्ध किया, शरीर को भस्म लगाया, आसन को बिछाया उसको या फिर मृग चर्म को बिछाया,
उसके बाद में गणेश जी की पूजा किया और उसके बाद में इष्ट देव और गुरु को प्रणाम किया, उसके बाद में आसन को प्रारंभ किया है। ध्यान रखिए क्रम क्या चल रहा है, क्रम क्रम पूछा जा सकता है पेपर में। अब आसन के बाद में क्या बताया गया, देखिए अब आसन की स्थिति है, कौन से आसन में कैसे बैठना है। देखिए पूर्वाभिमुख अर्थात पूर्व दिशा की तरफ मुख करना है और उत्तराभिमुख उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है। देखिए बड़ी विशेष है ये बात, शायद भागवत गीता में ये बात आई है क्या, कोई मुझे बताएगा, मुझे लग रहा आई है शायद वहां पर भी। एनीवन? आई है भैया, आई है, मुझे याद आ रहा है वहां पर भी शायद पूर्व और उत्तर दोनों बताए गए है ना ध्यान योग के अंतर छठे अध्याय में। एक बार आप चेक कर लेना इस बात को, ठीक है। तो देखिए भागवत गीता और यहाँ पे दोनों में बैठने की दिशा भी बताई गई है कि किस डायरेक्शन में बैठ के हमें अभ्यास करना है। तो माइक खोल के बताइए कौन कौन सी डायरेक्शन बताई है, पूर्व अथवा उत्तराभिमुख। वेरी गुड, या तो पूर्व दिशा की ओर ईस्ट की तरफ बैठ जाओ मुख करके जहां से सूर्य उदय होता है, या फिर नॉर्थ हिमालय की तरफ मुख करके बैठ जाओ। ओ पद्मासन में बैठना है, देखिए कौन सा आसन में बैठना है, माइक खोल के बताएं। पद्मासन रखेंगे, पद्मासन की स्थिति में बैठने के लिए बताया गया है। और उसके बाद क्या क्या, गर्दन सिर और पूरे शरीर को सीधा कर लेना है, समान अवस्था तक सीधा हो जाना है एक लाइन में स्टेप। उसके बाद में मुख को बंद कर लेना है और स्थिर होकर के बैठ जाना है। तो ये आसन की प्रॉपर स्थिति बताई गई है कि ऐसी जगह पर इस आसन में बैठ करके अब आगे का अभ्यास करने के लिए बताया गया। देखिए कितना सिस्टमेटिकली बताया गया इस ग्रंथ के अंदर। अब नाड़ी शुद्धि की विधि, अब यहाँ पे मैंने आपको कल एक बात बताई थी, कोई मुझे बताएगा क्या मैंने बात बताई थी, बस ये संहिता की नाड़ी शुद्धि की क्या विशेषता है यहाँ पे। होल्ड नहीं कर, होल्डिंग नहीं है यहाँ पर, कुंभक नहीं बताया। ये सबसे बड़ी विशेषता है नाड़ी की शुद्धि की। यहाँ पे प्राणायाम में बताया कुंभक, लेकिन नाड़ी शुद्धि में नहीं बताया, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। प्राणायाम में कुंभक है तभी तो प्राणायाम तीन प्रकार के बताए गए हैं वशिष्ठ संहिता में, यही है प्राणायाम। अकार उकार मकार ओंकार प्राणायाम की चर्चा आज हम पढ़ेंगे, तीन प्रकार का होता है वो तो। लेकिन नाड़ी शुद्धि में कुंभक नहीं है, पूरक करना है अर्थात सांस लेना है, ईड़ा अर्थात लेफ्ट नोस्टिल से लेना है और चंद्र का ध्यान कर लेना है। और ध्यान भी कहाँ पे, देखिए भूमध्य में, अर्थात जब हम लेफ्ट नोस्टिल से जब हम इनहेल कर रहे हैं उस समय हमें आईब्रो सेंटर पर चंद्रमा का ध्यान करना है और उसकी लिमिट कितनी रहेगी, 12 मात्रा तक वो जो है हमें सांस लेते रहना है। और उस समय हमें वम मंत्र का मन ही मन उच्चारण करना है, ध्यान रहेगा आईब्रो सेंटर में अर्थात आगे चक्र पर रहेगा, वम मंत्र का अंदर उसमें ध्यान लगाना है, उच्चारण करना है मन ही मन, 12 मात्रा तक पूरक करना है और लेफ्ट नोस्टिल से करना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब रेशक के लिए मात्रा का कोई विशेष लाइन ही नहीं मिली, मैंने देखा बहुत अच्छे से 3-4 बार टाइम दिया ही नहीं है। तो अब यहाँ पे 2 कंडीशन बनती है, ग्रंथ में टाइम नहीं दिया या तो हम ये अनुमान लगा ले कि शायद 12 ही बताया गया होगा, लेकिन नहीं दिया इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा यहाँ पे ग्रंथ में, कितना टाइम तक लेना है कुछ नहीं बताया गया। अगर पेपर में बाय चांस आ भी जाता है तो आप 12 अनुमानित आधार पे लगा सकते हैं, क्योंकि जो पहले में किया वो शायद बाद में भी वही होना चाहिए, लेकिन ग्रंथ में मूल नहीं बताया गया कि रेचक कितनी मात्रा तक हमें रेचक करना है। एक्जेल हमें पिंगला था राइट नोशन से एक्जेल करनी है, रम मंत्र का अंदर उच्चारण करना है और ध्यान रहेगा हमारा अग्निमंडल पर, अग्निमंडल पर और अग्नि का ध्यान करना है। अब मुझे कौन बताएगा अग्निमंडल के अलावा, मैंने 2 मंडल और बताए थे आप लोगों को, किसी को याद है बताएं? सोम मंडल और चंद्रमंडल। वेरी गुड, बताएंगे अभिमंडल और चंद्रमंडल।
दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम, सौमंडल अर्थात ऊपर की तरफ जो मस्तिष्क के भाग में होता है वो सौमंडल है। सूर्य मंडल ये जो है हमने नाभि के स्थान पे है। योनि मंडल जो नाभि से नीचे का स्थान है। आप मुझे बताएंगे ये मंडल हमने और किस ग्रंथ में पढ़े थे? हट प्रदीपिका। वेरी गुड, हट योग प्रदीपिका के किस मुद्रा के अंतर्गत हमने पढ़े थे ये चीजें? विपरीत करने। वेरी गुड, बताएं विपरीत करने में क्या बताया था हट योग प्रदीपिका में? जी बता मंडल से बोलो राधिका जी, बोलो मंडल से निकलने वाला स्त्राव। पूनम बोल रही हूँ सर। सोम मंडल से निकलने वाला स्त्राव सूर्य मंडल में नाभि पे जाके गिर के भस्म हो जाता है और हमारी आयु कम होते रहते हैं, हम मृत्यु के नजदीक जाते हैं। अगर हम विपरीत कर दे शरीर को तो वो स्त्राव भस्म होने से बचता है। बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऐसा वहां पर विपरीत करने में हमें वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे अग्नि मंडल का ध्यान पर अर्थात नाभि वाले स्थान पे अग्नि का ध्यान करना है। वो बताएं इनहेल करते हुए करना है या एक्सहेल करते हुए करना है? एक्सहेल करते हुए करना है। इस चीज का भी ध्यान रख लेना, ठीक है? और कुंभक की कोई चर्चा नहीं है। और इसी प्रकार फिर बाद में पिंगला से फिर इनहेल, फिर एड़ा से एक्सहेल, वही क्रम सेम, वही अनुलोम विलोम वाला वही चलता रहेगा। और ध्यान इसी प्रकार ऑल्टरनेट बदलता रहेगा। अर्थात जब जब पूरक होगा तब तब चंद्रमा और भ्रूमध्य पर ध्यान लगाना है वह मंत्र का उच्चारण करते हुए। और जब जब एक्सहेल होगा था तरेचक होगा तब तब हमें अग्निमंडल पर अग्नि का ध्यान करना है और हम मंत्र का उच्चारण करना है अंदर ही अंदर। तो ये है नाड़ी शुद्धि की विधि वशी संहिता के अंदर। अब यहाँ पे एक चीज और विशेष मिलती है। आप पहले मुझे ये बताइए हठ योग प्रदीपिका में नाड़ी शुद्धि कितने दिनों के अंतर्गत बताई गई है? तीन महीने में। अब यहाँ पे देखिए क्या बदलाव मिलता है आपको। यहाँ पे लिखा है 3-4 वर्ष, ये अथवा आएगा अथवा, दो चीज बताई है। इन ग्रंथकार खुद ही कंफ्यूज है। इन्होंने कहा या तो 3-4 साल में मिलेगी शुद्धि होगी या फिर कहा कि 3-4 मंथ में हो जाएगी। दोनों बातें बोल दी इन्होंने, 3-4 महीने में भी हो जाएगी और 3-4 साल में भी हो जाएगी। तो आप दोनों बातें याद रख लेना, ये वशी संहिता में दोनों चीज बताई गई है। और इस प्रकार प्रतिदिन त्रिकालार्थ प्रातः हैं दोपहर और सायंकाल में कितनी बार बताया गया अभ्यास करने के लिए बताएंगे मुझे? 36 बार बताया गया है। और हठ योग प्रदीपिका में कितना अभ्यास बताया गया है? 4 बार 20-20-20 करके। वेरी गुड, कुल कितना हो गया? 80 बार। 80 बार हो गया। और यहाँ पे बताया 36 बार करना, ठीक है? 36 को अगर हम 3 से बांटते हैं क्योंकि 3 काल लिया है ना, तो 12 3 36, तो मतलब कि हर बार में 12 बताया, इसका मतलब ये है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी बट डिफरेंट बनता है यहाँ पे। तो ध्यान रखेंगे कि हर काल में 12 बार अभ्यास करेंगे और इस प्रकार जो है 3 से 4 महीने दोनों चीज बताइए, 3 से 4 महीने या फिर 3 से 4 साल में उसकी नाड़ी शुद्धि होगी। अब आ गए नाड़ी शुद्धि के चिन्ह अर्थात नाड़ी शुद्धि के लक्षण क्या बताए गए हठ योग प्रदीपिका में। नाड़ी शुद्धि के कुछ लक्षण बताए गए हैं। एक श्लोक है बहुत फेमस, किसको याद है? दूसरे अध्याय का, दूसरे उपदेश का 78वां उपदेश हठ योग प्रदीपिका, किसी को याद हो? बपु कृष्णवत्तम वंदने प्रसन्नता नाद स्फुटतम नैने सुनिर्मले आरोग्यता बिंदु जयो अग्नि दीपनम नाड़ी शुद्धि हठ अनाड़ी शुद्धि हठ योगी सिद्धि लक्षणम। नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम, बहुत बढ़िया शालिनी जी, परफेक्ट। तो वहां पे ये 8 लक्षण बताए गए नाड़ी शुद्धि के। नहीं नहीं, वहां पे हठ सिद्धि का लक्षण है, सॉरी, ये जो आपने बताया ना शालिनी जी, ये हठ सिद्धि का लक्षण है। नाड़ी सिद्धि के, नाड़ी शुद्धि के लक्षण कुछ और है, कौन मुझे बताएगा? कमोन सर, शरीर हल्का हो जाता है। वेरी गुड, हाँ बोलो। और शरीर पे कांति आ जाती है
और उसकी दृष्टि बड़ी निर्मल हो जाती है, और सर यही है, और ज्यादा याद नहीं आ रहा आगे। नाद स्फुटतम अग्निदीपनम याद आ रहा है, नाद की आवाज सुनाई देने लग जाती है। वेरी गुड, मैर्सी यूनिवर्सिटी वालों ने तो कमाल कर रखा है, बहुत बढ़िया जी। नाड़ी शुद्धि के चिन्ह वो बताए गए हैं हठ योग प्रदीपिका में, और यहाँ पे क्या बताया गया है, शरीर में हल्कापन, शरीर में कांति आना, जठराग्नि का बढ़ना और नाद अभिव्यक्ति, लगभग दोनों में बराबर बताया है, ऑलमोस्ट नाड़ी शुद्धि के चिन्ह बराबर बताया गया है। ये सब चिन्ह जब दिखाई देने तक इस प्रकार का अभ्यास करते रहना चाहिए, और जब दिखाई देने लग जाए उसके बाद क्या करना है बताओ, अपना माइंड यूज करके प्राणायाम का अभ्यास। वेरी गुड, प्राणायाम, क्योंकि नाड़ी शुद्धि पहले बताई गई है क्रम के लिए, आसन के बाद में नाड़ी शुद्धि करनी है, उसके बाद में आगे के अंग करने, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही दिमाग लगता है कि इसके बाद प्राणायाम ही होने चाहिए, कि जब हमारे शरीर में इस तरह के लक्षण आने लग जाए उसके बाद हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है वशिष्ठ संहिता के अनुसार प्राणायाम कब शुरू करना चाहिए, ऑप्शन ये दिए जा सकते हैं, अगर ये चीजें आई हैं आपके शरीर में तो करना चाहिए, अदरवाइज प्राणायाम वशिष्ठ संहिता के अनुसार नहीं करने के लिए बताया गया है। और जबकि हठ योग प्रदीपिका में आप लोगों ने देखा होगा वहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि नाड़ी शुद्धि करो, नहीं तो प्राणायाम से भी नाड़ी शुद्धि हो सकती है, वहां पे दोनों बातों का वर्णन है, लेकिन वशिष्ठ संहिता में कंपलसरी बताया कि नाड़ी शोधन करना ही करना है, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे आप सभी। अब आते हैं हम अपने फोर्थ चैप्टर में, बताएंगे फोर्थ चैप्टर में किन किन चीजों का वर्णन है, थर्ड चैप्टर में किन किन चीजों का वर्णन है, प्राणायाम का है, प्रत्याहार का, नाद और मर्म स्थानों का। वेरी गुड, प्राणायाम, प्रत्याहार, नाद अनुसंधान और मर्म, कितने मर्म बताए हैं मोहित जी सर? 18 प्रकार के मर्म बताए हैं सर। बहुत सुंदर, वेरी गुड, 18 प्रकार के मर्म स्थानों की चर्चा है, और ये मर्म से क्वेश्चन आ भी चुका है पेपर में, इस बार आया था मुझे पूरा याद है, और क्वेश्चन ये आया था, मैं बता ही देता हूँ क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन ये आया था, सीक्वेंस आई थी, सीक्वेंस ऐसे दिया था पेपर में, जैसे कि एक तो शायद ये था पादंगुष था, एक था नाभि दिया था, और एक दो तीन और दिए थे, बोला कि इनको क्रम में लगाओ, ये क्वेश्चन आया था, शायद ब्रह्मरंध्र था, ऐसे चार पांच मर्मों के नाम दिए पेपर में और बोला कि इनको क्रम में लगाओ, वो तो शुक्र है मुझे याद था कि पादंगुष पहले आएगा, तो अपना ऑप्शन में देखा कि पादंगुष पहले कहां पर है, तो वही ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। तो आप एक दो ट्रिक इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि पहला क्या है, पादंगुष है, दसवां नाभि है, और अठारहवां जो है ब्रह्मरंध्र है, अगर आपको सारे याद हो जाए तो वेल एंड गुड, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, पिक भी बनती है बहुत अच्छे से, आप लोग जगह आराम से डायग्राम को देख के याद करो, आपको याद भी हो जाएगा, मुझे तो हो रखा है। देखिए सबसे पहले पादंगुष, पैर का अंगूठा, उसके बाद में गुल्फ, दोनों यहाँ पे घुटी टखनों को बताया गया है, पिंडी का मध्य जहां पे इंद्रवस्ती मर्म का स्थान होता है, पिंडली के मध्य में, जानु मूल अर्थात घुटने के नीचे, जानु अर्थात घुटने के ऊपर, उरु मध्य, उरु कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था, उरु बोलते जंगा को, देखो थाई पे आया ना निशान, जंगा को उरु बोलते संस्कृत में। सातवें नंबर का मूलाधार, जो मूल स्थान है एनस वाला स्थान, और देह मध्य, इससे दो उंगल ऊपर, यहाँ पे देह मध्य का स्थान होता है और इसके दो उंगल ऊपर लिंग का स्थान होता है, और दसवें नंबर का जो मर्म है वो मर्म नाभि मर्म है, ग्यारह नंबर का मर्म हृदय मर्म है, और ऊपर के लिए आप ऐसे ट्रिक याद कर लीजिए, गले से ऊपर सात मर्म बताए गए हैं यहाँ पे, सीक्वेंस में आप जाएं, जीवा मूल, उसके बाद में जीव के पहले कंठ कूप आएगा, कंठ के बाद में जीव आएगी,
जीव के बाद में नाक आएगी, नाक के बाद में आंख आएगा, आंख के बाद में भ्रू मध्य आएगा, उसके बाद में माथा आएगा, माथे के बाद में ब्रह्म रंध्र। इस प्रकार सात मर्म ऊपर बताए गए हैं। तो कुल कितने मर्म हो गए? 18 मर्म हो गए। अगर मैं थोड़ा सा अपना माइंड लगाऊं, एग्जामिनर कुछ टफ क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे? ऐसे पूछ सकता है कि बताओ जत्रुर्द कितने मर्म है अकॉर्डिंग टू वशिष्ठ संहिता। अब बताओ कितने मर्म है जत्रुर्द? 7 मर्म है। देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, मेरा मन बोलता है ऐसे आ सकता है। आपको हर एंगल से चीजों को याद करना है। अगर ये पूछा गया कि वक्ष स्थल के कितने मर्म है, कि क्या आंसर रहेगा आपका? 2। नो, गुदा दे मध्य लिंग इन सबको ऐड किया जाता है वक्ष में जी, क्योंकि जो हमारी वहां पे ये चीज मैं अपने सिंह बता रहा हूँ, जो हमारी दूसरी मर्म चिकित्सा की पुस्तक है मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ, आयुर्वेद एंड मर्म थेरेपी जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, वहां पर भी जब ये बातें आती है वक्ष स्थल के मर्म, तो उसमें गुदा को इंक्लूड किया जाता है। तो इस आधार पर मैं वक्ष में गुदा को इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है? मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। तो हृदय 5 हो गए, ठीक है? अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कटी से नीचे कितने मर्म है, नहीं कटी तो नहीं आना चाहिए, फिर वो मूला भी आ जाएगा, कि मूलाधार से नीचे या फिर पैरों में कितने मर्म होते हैं, तो क्या आंसर आएगा? 6 मर्म। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप हर तरीके से याद कर लेंगे, जब आपको स्थान पता हो जाएगा ना, काउंटिंग भी अपने आप याद हो जाएंगी आपको। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है ये। अब ये उंगुल याद करना मैं तो नहीं कहूंगा, उंगुल याद करो आप, थोड़ा थोड़ा नजर में निकाल लो, जैसे कि देह मध्य वाला जरूरी है, लिंग वाला जरूरी है, नाभि वाला जरूरी है, ये याद कर लो कि ढाई उंगुल 10.5 उंगुल ये जरूरी है, 1-2 बाकी मुझे लगता नहीं इतने जरूरी है। आप अपना एक बार नजर निकाल लेना, आपको थोड़ा बहुत ऐसी आइडिया मिल जाएगा। तो ये मर्म स्थानों की चर्चा की गई है। अब हम पढ़ते हैं तृतीय अध्याय में, सबसे पहले ओमकार युक्त प्राणायाम का वर्णन किया गया। बताएंगे कितने प्राणायाम, संख्या के आधार पे कितने प्राणायाम है वशिष्ठ संहिता में? 3। 3 प्राणायाम है, वेरी गुड। अब 3 प्राणायाम को ही यहाँ पे ओमकार युक्त प्राणायाम कहा गया था, अर्थ वो प्राणायाम जिनमें ओमकार को शामिल किया गया है, ओमकार का जप भी किया जाता है इसके अंदर, अलग अलग ओमकार की जो मात्राओं का जप किया जाता है, इसी आधार पे इसका नाम ओमकार प्राणायाम कहा गया है। प्राणायाम की डेफिनेशन दिया है कि प्राण और अपान का उचित संयोग करना ही प्राणायाम है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये वाली जो डेफिनेशन है किस ग्रंथ के अनुसार बताई गई है। एक मैं एग्जांपल बोलता हूँ, तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम है, ये किस ग्रंथ की लाइन? वेरी गुड। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि प्राण और अपान का संयोग करना प्राणायाम है, ये किस ग्रंथ की कही गई है बात? भगवत गीता, योग शिखर। अरे आपके हाँ, भगवत गीता में भी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो भगवत गीता में और वशिष्ठ संहिता दोनों में ये चीजें कही गई है, ठीक है? अब प्राणायाम के 3 प्रकार हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। कौन कौन से प्रकार हैं? रेचक, पूरक और कुंभक। बहुत बढ़िया, रेचक, पूरक और कुंभक। अब ओम की 3 मात्राएं होती हैं, अ, उ और म, ठीक है? अब वेदों में इनको क्या कहा गया, ये भी ध्यान कर लेंगे। वेदों में जो ओमकार की जो मात्राएं हैं उनको स्वर कहा गया है, और उपनिषदों में इसको आधारभूत कहा गया है, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। ए का अर्थ सृजन करने वाला, उ का अर्थ धारण करने वाला, और मैं का उपसंहार। सामान्य रूप से हम ब्रह्मा विष्णु महेश से भी तुलना करते हैं कि ब्रह्मा सृजन करने वाला है, विष्णु जी धारण करने वाले हैं अर्थात पोषण करने वाले हैं, और रुद्र जो शिव है वो संहार करने वाले हैं। इस तरीके से भी उपनिषदों में भी ऐसी लाइनें आती है। एक क्वेश्चन इस बार यहाँ से पेपर में आया था, क्वेश्चन आया था, ये आया था शायद, रुको मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, शायद या तो डंडा आया था पेपर में या फिर ये लक्ष्मी आई थी, शायद लक्ष्मी आई थी पेपर में, इसी बार में आया था, मुझे मेरा ये करेक्ट हुआ था आंसर पेपर में, ये लक्ष्मी सत्व गुण, हाँ ये वाला था ना, हाँ है भैया।
सतगुण नहीं, गुण वाला तो नहीं आया था, मेरे ख्याल से मात्रा का आया था शायद, है ना? वो सरस्वती का था सर, वो अलग होगा, किसी और ग्रंथ का होगा वो जो आप कह रहे हो। वो तो गुण के आधार पर था कि वो रजोगुणी होती है सतोगुणी या उससे था वो। ठीक है ठीक है, वो शायद उपनिषद शिव संहिता से था वो। ओके 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 ओके, शिव संहिता से क्वेश्चन आया था। हाँ, तो इस तरीके का क्वेश्चन शिव संहिता से आ सकता है, तो इस बार वशिष्ठ संहिता से भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट कभी करते नहीं है, लेकिन उसकी तरह और क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ पे तीन मात्राएं हमने देख ली, अकार उकार मकार, और पूरे कुंभक रेचक के दौरान हमें इन मात्राओं का हमें चिंतन करना है, मनन करना है। अब यहाँ पे पहले तो इनकी आप देवी याद कर लीजिए कि अकार की देवी गायत्री है, उकार की लक्ष्मी और मकार की सावित्री है। ठीक है, कोई एक प्रश्न बताएंगे अकार उकार मकार की देवियों के नाम? अकार गायत्री, उकार लक्ष्मी, मकार सावित्री। परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। अब इनके वाहन भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे में सीक्वेंस आती है, सही मिलान आते हैं, तो सही मिलान पूछा जा सकता है कि सावित्री का वाहन क्या है, वृषभ, विश्रविषभ का अर्थ होता है बैल, लक्ष्मी का वाहन क्या है गरुड़, और गायत्री का वाहन क्या है हंस। तो इसका मैं ट्रिक भी बता देता हूँ आपको, सामान्य रूप से ये तो याद ही होगा, गायत्री तो हंस से हम देखते ही है, वो तो हंस के ऊपर ही विराजमान रहती है गायत्री देवी। अब लक्ष्मी का संबंध विष्णु जी से, और विष्णु जी का जो रथ है, सवारी है, वो गरुड़ है, और सावित्री जो शब्द है पार्वती से लिया गया है, और शिव जी का जो है वाहन क्या है बैल, तो वृषभ। तो इस प्रकार पार्वती यानी कि सावित्री का जो वाहन है वो वृषभ है। अब ये पूछा जा सकता है पेपर में कौन कौन सी देवी कौन कौन से अस्त्र को धारण किए हुए हैं, तो गायत्री दंड को धारण किए हुए, दंड के यहाँ पे कई अर्थ निकलते हैं, तो आप खाली दंड ही याद कर लीजिए कि गायत्री ने दंड को धारण किया हुआ है, जिससे दंड दिया जाता है उसी को दंड कहते हैं, जिसमें अजय शक्तियां होती है। लक्ष्मी जी क्योंकि इसका संबंध भी विष्णु जी से है, तो ऑटोमेटिक आप याद कर लेंगे कि चक्र को धारण किया हुआ है इन्होंने, और सावित्री को क्योंकि सावित्री का संबंध हमारे शिव जी से है, और शिव जी का संबंध त्रिशूल से है, तो यहाँ पे शूल शब्द दिया गया है, और शूल शब्द के दो अर्थ निकलते हैं कि शूल का अर्थ होता है तीखापन। अब तीखापन एक तो भाले में भी होता है, भाला आप लोगों ने देखा होगा ना, भाला जो तीखा होता है, ऐसे बिल्कुल नुकेल तीखा होता है ना भाला, ठीक है, याद हो गया ना, सब लोगों को पता होगा, अब भारत के सभी, या तो भाला हो उसको शूल बोला है, या फिर त्रिशूल हो, त्रिशूल में भी तो तीन कोने कोने होते हैं, तो दोनों हो सकते हैं, लेकिन ग्रंथ में शूल शब्द यूज किया है, तो आप ये याद कर लेंगे कि कौन सी देवी के साथ कौन सा अस्त्र दिया हुआ है, और उसकी आयु भी पूछी जा सकती है कि गायत्री की आयु 16 वर्ष बताइए, लक्ष्मी की आयु 30 वर्ष, 30 वर्ष वाले युवा होते हैं, ध्यान रखेंगे 16 को युवा नहीं बोला यहाँ पे, 30 को युवा बोला है, और 50 वर्ष से अधिक है वृद्धा, कौन है सावित्री। और यहाँ पर सावित्री के बारे में दो विशेषता और मिलती है, आगे लाइन में दिया हुआ ये रहा, सावित्री को त्रिलोचनी कहा है, क्या कहा है, कोई माइक खोल के बताएं, त्रिलोचनी, त्रिलोचनी, त्रिलोचनी का अर्थ होता है तीन नेत्र वाली, तो ये भी आप ट्रिक वही मेरे वाले याद कर लो कि सावित्री का अर्थ संबंध पार्वती से, पार्वती का ही अन्य नाम है, और पार्वती का संबंध शिव जी से, और शिव जी तीन नेत्रधारी हैं, बैल की सवारी वाले हैं और त्रिशूल को धारण करने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब इनका वर्ण आप याद कर लीजिए कि पहले वाले में लाल रंग आएगा कि गायत्री जो देवी है उसका लाल रंग है, याद कर लेना, यहाँ पे सफेद मत लगाना, गायत्री में यहाँ पे लाल रंग दिया हुआ है, और लक्ष्मी जी को यहाँ पे सफेद रंग दिया हुआ है, और सावित्री को भी यही सेम रंग दिया है, सावित्री में बताया गया वर्ण तो अलग से नहीं मिलता यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है शुकलांगी, और शुकलांगी का अर्थ होता है सफेद शरीर वाली, तो इसका अर्थ भी शुक्ल दोनों में दिया है, इसका मतलब
इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे, ये कहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारे पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा। अब ये लाइन है कि इसके बाद में मिलते हैं और इसके दो अर्थ निकलते हैं, मैं आपको दोनों मीनिंग बता देता हूं, और अभी मैं खुद श्योर नहीं हूं इन दोनों में से कौन सा सही होगा, मैं एक दो दिन में श्योर करके बता दूंगा, अभी मैं दोनों व्यू बताता हूं आपको। जैसे ही अकार उकार मकार के श्लोक समाप्त होते हैं, मकार के अंत में ये लाइन मिलती है, और ये सरस्वती माहेश्वरी और पश्चिमा नाम से भी जानी जाती है। अब यहाँ पे संदेह ये उठता है कि सरस्वती माहेश्वरी पश्चिमा ये या तो सावित्री के ही पर्यायवाची शब्द हैं, क्योंकि मकार के श्लोक में इनका वर्णन है, या फिर ये हो सकता है कि सरस्वती माहेश्वरी पश्चिमा इन तीनों से सीक्वेंस में लिया हो, सरस्वती को अकार से, माहेश्वरी को उकार से, पश्चिमा को मकार से, तो दोनों इसके अर्थ हो सकते हैं। आप अभी दोनों याद कर लीजिए, मैं एक दो दिन में शोर करके आपको अच्छे से फिर बता दूंगा, अभी आप दोनों याद कर लीजिए, या तो सावित्री के पर्यायवाची शब्द तीनों, या फिर तीनों अकार उकार मकार देवियों के उपनाम दिए हुए हैं, सरस्वती माहेश्वरी और पश्चिमा। ओके, आगे वर्णन मिलता है, क्योंकि ओमकार को मूल कारण बताया गया है, ये तीन अक्षर ही तीन कारण है, अर्थात सृष्टि का मूल कारण है, ब्रह्म के सभी कारण है ये ओमकार, और विद्वान लोग ओमकार को क्या बोलते हैं, एक अक्षर प्रणव, एक अक्षर का प्रणव ज्योति कहते हैं, किसको कहते हैं, ओमकार को कहते हैं, कौन कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं, और ऐसा समझकर ओमकार युक्त रेचक पूरक और कुंभक इन तीनों से विधि पूर्वक प्राणायाम करना चाहिए। अब प्राणायाम की विधि देखते हैं क्या है, ओमकार प्राणायाम की विधि, पूरक कुंभक रेचक तीनों में लगा दो अकार उकार मकार, तो अक्षर तो सिंपल से याद हो गए आपको, अकार उकार मकार, मात्रा भी सिंपल से गण संहिता वाली सेम दिया हुआ है, 16, 64 और 32 ये मात्रा दी हुई है, और नाड़ी पता ही है, ईड़ा से पूरक करना है, पिंगला से रेचक करना है, पेट में श्वास भरनी है, इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे विशेष लाइन दिया है, पेट में श्वास भरनी है, ठीक है जी। इस प्रकार पुनः पुनः ईड़ा के द्वारा पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन 16 प्राणायाम करने चाहिए, कितने प्राणायाम करने चाहिए, 16, और पीछे नाड़ी शुद्धि में कितने बताए थे, 36 36 बताए थे, ठीक है, पूरे दिन में 36 बताए थे, शायद एक बार में 12 आएगा अगर हम उस तरीके से अपना मैथमेटिक्स लगाते हैं, लेकिन ग्रंथ में 36 है तो हम 36 पहले याद करेंगे, तो यहाँ पे 16 ग्रंथ में दिया हुआ तो 16 आप याद करेंगे, कौन से ग्रंथ में 16 दिया हुआ है, वशिष्ठ संहिता, और कौन से ग्रंथ में 80 दिया हुआ है, हठ प्रदीपिका, और हठ रत्नावली में भी यही बातें मिलेंगी, औरों में भी देख लेना, और उपनिषदों में भी बहुत जगह मिलेगी, 80 80 80 80, और 80 वाला पेपर में भी आ चुका है 80 प्राणायाम। अब ओमकार प्राणायाम के लाभ दिए हुए हैं कि इससे लाभ क्या होगा, एक मास में भ्रूण हत्या जैसा पाप से मुक्ति मिल जाएगी, भ्रूण हत्या अर्थात पेट में जो बच्चे को मार देते हैं ना, वो वाला पाप भी, उससे भी छुटकारा मिल सकता है अगर ओमकार प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो, नरक से मुक्ति मिल सकती है, परम गति की प्राप्ति हो सकती है, और समुन्द्र संसार समुन्द्र अर्थात मोह माया में डूबे हुए लोगों के लिए प्राणायाम ही तारक है, अर्थात इस संसार से मोह माया से मुक्ति पाने का जो साधन यहाँ पे बताया गया प्राणायाम, प्राणायाम से ही हम संसार सागर को पार कर सकते हैं। अब तीन स्तर बताए गए हैं, कनिष्ठ मध्य और उत्तम, ये सामान्य से हर जगह ये बातें मिलती है, पसीना निकलता है, कंपन उत्पन्न होती है और शरीर ऊपर उठने लगता है। अब इस चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मुख्य रूप से उत्तम प्राणायाम को विशेष दर्जा दिया गया, उत्तम में क्या होता है, जब हमारा प्राण ब्रह्म नाड़ी में ऊपर की तरफ जाता है, या फिर कुछ ग्रंथ बोलते हैं कि शरीर ऊपर उठता है, तो दोनों इसके अर्थ निकलते हैं उत्तम प्राणायाम में।
और जब उत्तम प्राणायाम जब हमारा सिद्ध हो जाएगा, इसका अर्थ क्या होता है, देह के अंदर प्राण का लय हो जाता है, अर्थात प्राण जो है सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाता है, इसका अर्थ ये है उत्तम प्राणायाम में। और श्वास पर श्वास की गति भी रुक जाती है और साधक केवल कुंभक करने में समर्थ हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किस कोटि का प्राणायाम करने से केवल कुंभक, साधक केवल कुंभक के समर्थ बनता है, तो उत्तर क्या आएगा, उत्तम प्राणायाम। उत्तम कोटि का जो स्तर का जो प्राणायाम है वो करने से तब हमें केवल कुंभक की करने में समर्थ होता है कोई साधक। और कुंभक को यहाँ पे दो भागों में बांटा है, सहित कुंभक और केवल कुंभक। सहित में वही चीजें कही गई है जहां पे रेचक पूरक अर्थात इनहेल एक्सहेल हो, और कुंभक में यहाँ पे केवल कुंभक अर्थात जहां पे सिर्फ होल्डिंग हो। लाभ भी ऑलमोस्ट वही है जो हठयोग में बताए गए हैं, केवल कुंभक के लाभ कि तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता, जो भी चाहे वो हर चीज कर सकता है, जरा अर्थात बुढ़ापा उसके पास नहीं आता और नादम व्यक्ति होने लग जाती है उसको। लेकिन गिरण उसमें हठ योग में एक दो लाइन और मिलती है, कुंडली जागरण का वर्णन मिलता है वहां पे, जठराग्नि का वर्णन मिलता है, यहाँ पे नहीं है। ये थोड़ा सा अंतर हो गया दोनों ग्रंथों में। तो आज के लिए मैं इतने पढ़ाना चाहूंगा क्योंकि तो ज्यादा हो जाएगा अगर मैंने ज्यादा पढ़ाया तो, ठीक है, बाकी हम कल पढ़ लेंगे इसके आगे का। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने प्राणायाम पढ़े ऐसी संहिता के अनुसार। तो अब हम रिवीजन ले लेना चाहते हैं थोड़ा सा आप लोगों से क्वेश्चनिंग के जरिए। तो आप लोगों को समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, क्योंकि मैं कोरिलेट करके पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है मुझे पढ़ाने में, लेकिन ये कोरिलेशन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि पेपर में आप कंफ्यूज हो जाओगे कोरिलेशन करके याद नहीं किया तो आपने अगर। चलिए तो अब मुझे हाथ उठाइए, आज जो हमने पढ़ा है उसको कौन बता सकता है। जी पूजा झा जी बता रही है, जी बताइए पूजा जी, हो सके तो कैमरा खोल के बताइए। जाना जिसमें कि प्राणायाम जो रेचक पूरक और कुंभक तीनों होते हैं इसमें, और इसमें इसमें जो परिभाषा है प्राणायाम का उसके बारे में है, प्राण और अपान का उचित संयोग ही प्राणायाम कहलाता है। और इसमें ओंकार के ओम जो है शब्द उसके बारे में बोला गया है कि अ उ और म ये तीन चीज से ओम बना है, जो कि अ यानी जो सृजन करते हैं, उ यानी धारण करने वाला, और म मीन संहार करने वाले, और उ को वेदों में स्वर कहते हैं और उपनिषद में हम इसे आधारभूत कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इससे आगे कौन बता सकता है मुझे। थैंक यू सो मच पूजा जी, बहुत अच्छा बताया आपने, हाथ उठाइए। कमोन कमोन, इससे आगे कौन बता सकता है, कमोन हाथ नहीं उठा किसी का अभी तक, बाकी लोग कक्षा में थे ना। जी नीलू जी बताइए। सर इसके आगे ना ये था कि इसमें जो आ उ और मा है ना उसकी देवियों के बारे में बताया गया है, तो जो तीन देवियों के बारे में बताया गया है, जो आ है उसकी देवी गायत्री को कहा गया है, और इसका वाहन जो होता है वो हंस होता है और ये लाल रंग में होती है, और इसका जो शस्त्र होता है जो वो होता है दंड, और ये 16 वर्ष की होती है। और दूसरा बोला गया है ऊ की देवी होती है लक्ष्मी, और लक्ष्मी का रंग श्वेत शुक्ल बोला गया है इसमें, और इसका वाहन गरुड़ होता है, और ये जो शस्त्र धारण करती है वो चक्र होता है, और इसकी आयु को 30 वर्ष कहा गया है। और तीसरा होता है माँ, माँ जो होता है इसकी देवी होती है सावित्री, और सावित्री के वर्ण को भी श्वेत कहा गया है शुक्ल, और इसका वाहन वृषभ होता है, और इसका शस्त्र
शूल होता है। और उसके बाद फिर सावित्री को ना त्रिलोचनी भी कहा गया है इसमें। और जो वो है क्या बोलते हैं, ये बोले गए कि ना सरस्वती, महेश्वरी और पश्चिमा, ये तीन नाम दिए गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नीलू जी, बहुत धमाल मजा रखा है महर्षि वालों ने। आगे बताएंगे ओमकार प्राणायाम की विधि, कौन मुझे बता सकता है? सर मैं बोलू? मैं जी, पूनम जी बताएं। सर ओमकार प्राणायाम अ उ और म तीनों के साथ करना है। पूरक रेचक कुंभक 16, 64 और 32, 1:4:2 ऐसे रेशो है। ईड़ा और पिंगला, ईड़ा से पूरक, फिर कुंभक करके फिर पिंगला से रेचक करना है और वायु पेट तक भरना है, ऐसा इसमें बोला है। और प्रतिदिन 16 प्राणायाम हमें करने हैं। थोड़ा नेटवर्क जी जी, वेरी गुड। बेनिफिट और बता दीजिए। एक मास में भ्रूण हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिलेगी, नरक से मुक्ति मिलेगी, परम गति की प्राप्ति होगी और संसार समुद्र में जो डूबे हुए लोग हैं उनके लिए ये तारण करने वाला प्राणायाम, तारक करने वाला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब पूजा जी मुझे बताएं, पूजा मिश्रा जी, कि जी सर, नाड़ी शुद्धि से पूर्व क्या क्या चीजें करनी चाहिए, मठ से लेकर के अभ्यास से पूर्व की सारी स्थिति सीक्वेंस से हम आप बताइए। ओके सर, ठीक है। आज जो आपने कराया था वहां से ना स्टार्टिंग, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले, हाँ इसमें सबसे पहले बताया गया कि जगह का चुनाव करना है। तो उसके लिए वो बोलते हैं कि जहाँ ऐसा प्लेस होना चाहिए जहाँ पे फल मूल जल इत्यादि हो और नदी के किनारे मठ बना के तपस्या करने की बात कही गई। और दूसरा, अगर नदी किनारे नहीं तो किसी भी देवालय के आसपास अपना सुरक्षित मठ बनाकर वहाँ पे इस अभ्यास को करना चाहिए। फिर आगे बताते हैं कि उसमें फिर शरीर को कैसे तैयार किया जाए। तो उन्होंने बात किया है कि त्रिकाल काल, त्रिकाल यानी तीन टाइम अपने शरीर को मतलब स्नान करने की बात कही गई वहाँ पे, सुबह दोपहर और शाम को। और फिर अपने शरीर को शुद्ध करने के पश्चात, अपने चित्त को शांत करने के बाद भस्म लगाने की बात कही है उसमें, कि उसके पश्चात भस्म लगाएं। और फिर आसन की बात कही गई है, उसको भगवद गीता में भी बिल्कुल ऐसे ही बताया गया। और भगवद गीता में वस्त्र भी बोला गया है कि आसन में यूज करना। तो यहाँ का सीक्वेंस ऐसा है कि आपका कुशा होगा, कुशा के ऊपर मृगछाल, कुशा या फिर मृगछाल, दो में से कोई भी चीज जो भी अवेलेबल हो उसको बिछा कर। बहुत सुंदर गणेश भगवान जी की बात कौन मुझे बता सकता है? बहुत सुंदर पूजा जी, बहुत अच्छा लगा, आपने पूरा बताया। इससे आगे की बात मुझे बता सकता है, ताकि सबका नंबर है, मुझे सबको लेके चलना है। जी गौरी जी बताइए। जी सर। सर ये ऑफिस में बैठे हो क्या? हाँ सर। अच्छा चलो बोलो। जी सर, वो मैम के अनुसार जैसे कि अपन कोमल आसन ले रहे हैं, जैसे कुशा या मृग चर्म को बिछाना है, उसके बाद फल मूल जल आदि से विघ्न निवारक गणपति जी को अच्छी तरह से पूजा करना है। उसके बाद गणपति की पूजा के बाद इष्ट देव और अपने गुरुजनों को प्रणाम करके आसन प्रारंभ करना है। फिर शरीर की स्थिति बताई गई है सर, पूर्वाभिमुख होकर अथवा उत्तर के विमुख, मतलब पूर्व दिशा में मुख रख के या उत्तर दिशा में मुख रख के पद्मासन लगाकर गर्दन सिर और शरीर को समान अवस्था में रख कर मुख बंद करके बैठना है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गौरी जी, बहुत बढ़िया। इससे आगे मुझे कौन बताएगा? और हाथ उठाइए। सर इसमें एक पॉइंट बोलती हूँ कि तपोवन भी फल मूल जल ही है और गणपति की पूजा भी फल मूल जल ही है, सेम सीक्वेंस है। बहुत बढ़िया, अरे वाह। चलो अब दो चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी, एक कर लो दोनों अपने आप हो जाएगी। और दोनों में आदि भी किया है, आदि सब यानी कि मेन तीन चीज ही ली है वहाँ पे, फल मूल और जल। बहुत बढ़िया जी। और जिन लोगों का नंबर नहीं आया वो लोग हाथ उठाए। आगे कौन बता सकता है हमें? दीपाली जी, कल आपका गलत था, आज गलत नहीं होना चाहिए, बताओ। आगे नाड़ी शुद्धि की विधि बताई है, पूरक ईड़ा 12 मात्रा में और भ्रूमध्य में उसका ध्यान करना है। रेचक पिंगला से और उसका रेचक की जो मात्रा है
वो नहीं बताई है, लेकिन वो 12 मात्रा हो सकती है। और अग्निमंडल स्थान बताया है, और वो उसका जो मंत्र है वो पूरक का वम और रेचक का रम बताया है। फिर पिंगला के द्वारा प्राण का समय तक बताई है, शायद 3-4 बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बताया। फिर वो क्रम चलता रहेगा, है ना। आप मुझे बताएंगे, राधिका जी बताएंगे मुझे कि कितने समय में नाड़ी सिद्धि शुद्धि हमारी हो जाएगी और कितनी बार करने पर होएगी। भैया यहाँ पर मतलब दो बात बताइए, एक तो 3-4 महीने भी बताए हैं और 3-4 साल भी लग सकते हैं। कितनी बार करने पर नाड़ी शुद्धि? 12-12 बताइए। 36 पहले याद करो, 36 ज्यादा उचित रहेगा, पेपर में 12 गड़बड़ हो जाएगी। पहले 36 याद करो, उसके बाद में 12 बोलो। त्रिकाल 36 बार ऐसा बताया, क्योंकि मूल चीजें जो क्वेश्चन पेपर में आती है ना, वो मूल चीज से आती है। मूल में 36 बताया बाद में, वो तो मैंने अपने माइंड से बताया है, क्या पता वो गलत भी हो सकती है मेरे माइंड वाली चीज, लेकिन मूल वाली कभी गलत नहीं हो सकती। तो 36 पहले याद करो, उसके बाद 12 याद करो, ठीक है जी। बताइए आगे, नाड़ी शुद्धि के चिन्ह मुझे कौन बताएगा, कौन रहेगा? शालिनी जी ने नहीं बताया आज जी। शालिनी जी बताइए, नाड़ी उसका लक्षण बताया गया है, शरीर में हल्कापन और शरीर की कांति और जठराग्नि का बढ़ना और एक चीज और नाद की अभिव्यक्ति होने लगती है। बहुत बढ़िया, आप मुझे क्रम बताएंगे, क्रम मुझे टाइप करना, मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, 4 ऑप्शन बोलूंगा और उनको सीक्वेंस में आप लोगों को लगाना है, देखता हूँ कौन अच्छे से लगा पाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए समाधि, ऑप्शन बी प्रत्याहार, ऑप्शन सी नाड़ी शुद्धि और ऑप्शन डी नियम। ऑप्शन ए समाधि, ऑप्शन बी प्रत्याहार, ऑप्शन सी नाड़ी शुद्धि और ऑप्शन डी नियम। पूजा जी ने आंसर कर दिया है, दोनों पूजा जी ने कर दिया है, दोनों पूजा जी ने कमाल मचा रखा है क्लास में, बहुत बढ़िया जी। पहले पूजा झा जी ने टाइप किया, आप माइक खोल के बताइए पूजा झा जी। सर नियम, नियम के बाद नाड़ी शुद्धि करेंगे, क्योंकि यम नियम आसन के बाद नाड़ी शुद्धि करेंगे तभी उसके आगे का हम कर सकते हैं, उसके बाद प्रत्याहार और फिर समाधि। ठीक है, अब मुझे बताएंगे आशा रानी मैडम बताएंगे। आशा मैडम, एक तो अष्टांग योग हो गया और एक नाड़ी शुद्धि हो गया, इन 9 चीजों को क्रम से आप बताओ मुझे, अब एक्चुअल पता चलेगा। मैं बताइए 9 की 9 चीजों का क्रम क्या है सर? क्या कहा? एक तो अष्टांग योग, अष्टांग योग के 8 अंग हो गए और एक नाड़ी शुद्धि हो गया, इन 9 की 9 चीजों को क्रम में बताइए। अष्टांग योग में तो यम नियम आसन प्राणायाम, अच्छा अगर नाड़ी शुद्धि का इसमें यम नियम और नम यम नियम आसन नाड़ी शुद्धि प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान समाधि। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए आप, आप इसकी इनकी गलती को जय किशन पाड़िया जी आप बताइए, थोड़ा सा बता सही रही थी, शायद कंफ्यूज होगी बोलने में। जय किशन जी आप बताइए। सर यम नियम और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा ध्यान समाधि, आसन को खाई गए हैं, आसन कहाँ गया भैया, आसन भी तो है, आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ऐसे थोड़ी होता है, कुछ भी बोल दो। कौन बताएगा सर? मैं बोलूं, मैं बताऊं जी, पूनम जी बताइए। यम नियम आसन नाड़ी शुद्धि प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। वेरी गुड, ये वन आंसर, ऐसे आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो आज आशा मैडम शांति पाठ कराएंगी हमें सबको,
आज की कक्षा संपन्न हुई है, किसी को कोई डाउट हो तो अभी बोल सकता है, फिर हम कक्षा समापन कर रहे हैं। जी आशा मैडम, आप शांति पाठ कराइए आज का। सर डाउट नहीं है, पर एक बात बोलती हूँ, जो आपने बताया था कि हट प्रदीपिका आपको अच्छे से आई तो आगे के ग्रंथ आएंगे, ये अभी महसूस हो रहा है। वेरी गुड, याद हुआ ना, मैंने पहली बार ये बात स्टार्टिंग में बोल के चला हाँ। था इसी आधार पे ये बात मैंने बोली थी वहां पे। हाँ वो अभी बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है, शुक्र है, वो बात कितनी सही थी। तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होगी तभी ये चीजें आगे समझ आ रही है आपको, है ना? जी सर, वो एमएम भी थी तो। हाँ जी पूजा सर, इसमें प्राणायाम तीन है तो मेरे को तीन कौन पूरा कुंभक रेचक, अच्छा ये है, ठीक है। हाँ ये है, पूरक में आकार है और कुंभ मकार है, मकार है ये है, और इसी को ओमकार प्राणायाम कहा गया है, तीनों के सम्मिलित रूप, ठीक है जी सर। जी आशा मैडम, आप स्टार्ट कीजिए कक्षा अपना आगे का कार्य। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाए और शांति पाठ है। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष तुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर भवतु। धन्यवाद। अब अपनी आंखें खोल लें, अपनी दोनों हथेलियों को मले, आंखों पे लगाएं और आंखें खोलें मुस्कुराहट के साथ। थैंक यू आशा मैम, बहुत अच्छा आपने कराया। थैंक यू और अभी बहुत बढ़िया जी, थैंक यू।